अक्टूबर साल 1962 सुबह के 8 बजे थे। हमारे फौजी लोग रोजमर्रा की एक्टिविटीज में बिजी थे कि अचानक से चाइना के सोल्जर्स भारी तादाद में हमला बोल देते हैं। यहाँ पर सिर्फ 56 इंडियन सोल्जर्स मौजूद थे, दूसरी तरफ 600 चाइनीज ट्रूप्स। हमने पहले अटैक से तो किसी तरीके से बचा लिया अपने आप को, लेकिन 9:30 बजे दूसरा अटैक किया जाता है। मोर्टार फायर और बमबारी करने लगते हैं चाइनीज सोल्जर्स। The Chinese army launched a massive attack on India, both in Ladakh and in the northeast. हमारे फौजी भी मोर्टार और मशीन गन की रिक्वेस्ट करते हैं, लेकिन ब्रिगेडियर जॉन डालवी का कहना था कि नहीं, इंडिया प्रिपेयर्ड नहीं है वॉर लड़ने के लिए। चाइनीज सोल्जर्स तीसरी बार हमला बोलते हैं 3 दिशाओं से, और इस बार कोई और ऑप्शन नहीं बचा था पीछे हटने के अलावा। ये सब हुआ सिर्फ कुछ चंद घंटों के अंदर। इस बारी चाइनीज सोल्जर्स बहुत ही हैवी रीइंफोर्सिंग करते हैं अपनी पोस्ट की, बार्ब्ड वायर्स लगाई जाती हैं, भारी मोटा